पार्टी करने के बाद रात 1 बजे अपने दो दोस्तों के साथ कॉलेज की छत पर गई महिला डॉक्टर की मौत ने प्रदेश में सनसनी मचा दी है। हत्या या फिर हादसा, दो पहलुओं पर घूमती कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज की यह वारदात हर किसी के माथे पर शिकन ला रही। अभी तक दावा किया जा रहा है कि महिला डॉक्टर की संदिग्ध अवस्था में 6 मंजिल इमारत की छत से गिरकर मौत हो गई। मौत से कुछ समय पहले मृतक डॉक्टर ने दो दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की थी। पुलिस इसे हादसा मानकर फिलहाल जांच कर रही है, लेकिन मृत डॉक्टर के परिजन फिलहाल हत्या का आरोप लगा रहे हैं और हादसे को संदिग्ध मान रहे हैं। बता दें कि बरेली की रहने वाली छात्रा दीक्षा तिवारी कानपुर मेडिकल कॉलेज से फाइनल ईयर MBBS कर चुकी थी। वो मेरठ में पोस्टिंग भी पा चुकी थी। इसी का जश्न मनाने वो रात को अपने दो दोस्तों हिमांशु और मयंक के साथ किसी रेस्टोरेंट पर पार्टी कर मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम बिल्डिंग के छत पर पहुंची। साथ ही डॉक्टरों की माने तो बुधवार की रात फाइनल ईयर की पढ़ाई पूरी होने की पार्टी रखी गई। सब लोगों ने पहले कमरे में पार्टी की, फिर एग्जामिनेशन बिल्डिंग की 6 मंजिला इमारत पर चले गए। रात में करीब 12 बजे से 1 बजे के बीच सभी मेडिकल कॉलेज के छत पर थे। इसी दौरान दीक्षा बात करते हुए छत पर बने एक डक पर बैठ गई। दीक्षा छत के जिस हिस्से में बैठकर बात कर रही थी, अचानक वो हिस्सा टूट गया और दीक्षा 6वें फ्लोर से नीचे गिर गई, जिसके बाद एक छात्र पाइप के सहारे ही नीचे उतरा। नीचे देखा तो दीक्षा की बॉडी से खून निकल रहा था, जिसके बाद गेट तोड़कर उसकी बॉडी बाहर निकाली गई। हादसे के बाद शहर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सभी मौके का दौरा कर चुके हैं। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हरिश्चंद्र का कहना है कि छात्रा पार्टी करके छत पर गई थी, उसके साथ दो दोस्त भी मौजूद थे। वहीं पुलिस का ये भी कहना है मृतका के परिजन जो भी एप्लीकेशन देंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बीच मौत को लेकर कई सवाल भी उपज रहे हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस घटना को हादसा मानकर चल रहा है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं। आखिर रात को 1 बजे 6ठी मंजिल पर ऑडिटोरियम की छत पर डॉक्टर दीक्षा क्या करने गई थी? जो परिजन आरोप लगा रहे हैं उसको घसीटने के निशान मिले हैं, छत से फेंका गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। वहीं फॉरेंसिक टीम ने छत के कुछ हिस्सों का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया है, मार्किंग भी की गई है, कथित तौर पर कुछ घसीटे जाने के निशान भी मिले हैं। वहीं जांच के बाद चीजें साफ हो पाएंगी। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दीक्षा की बॉडी में 36 से ज्यादा चोटों की पुष्टि हुई, सिर की हड्डी भी टूटी है, दोनों पसलियां टूटकर फेफड़ों में घुस गईं, जिसके कारण फेफड़े फट गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अधिक ब्लीडिंग का मौत का कारण बताया गया है। इसके अलावा रेप की आशंका को देखकर विसरा सुरक्षित रखा गया है। शरीर में अल्कोहल की मात्रा भी पाई गई है। छात्रा की मौत पर मेडिकल कॉलेज ने भी अपना पक्ष रखा है। कानपुर मेडिकल कॉलेज की तरफ से कहा गया कि दीक्षा तिवारी की मौत का उन्हें दुख है, लेकिन दीक्षा कानपुर मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट अब नहीं थी। उन्होंने 2023 में यहां से पढ़ाई पूरी कर ली थी और 2024 में दीक्षा ने MBBS की इंटर्नशिप भी पूरी कर ली थी, लिहाजा वो इस मेडिकल कॉलेज की छात्रा नहीं थी। खैर, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और पूरी जाँच होने के बाद ही सच से पर्दा उठ पाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।